अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब इसमें पहला पार्ट है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, यानी आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है प्लस सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर है। तो एक्सरसाइज 2.6 में बेसिकली अब ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं इनके एडिशन, जैसे इस टॉपिक में हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस सारी चीज़ को हमने सीखना है। अब सबसे पहले हमारे पास प्लस का क्वेश्चन आ गया, एडिशन का क्वेश्चन है। तो आपने जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखना है, रिकग्नाइज करना है कि सेंटर में प्लस साइन है। जैसे हम ब्रैकेट्स के रूल को यूज़ करते हैं उसी चीज़ को अभी यूज़ कर रहे हैं कि 2 प्लस 3 आयोटा, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो 7 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना होता है तो इसमें रियल पार्ट में ऐड होता है। रियल पार्ट वो हमारे पास पार्ट था जिसमें आयोटा टर्म नहीं है, दैट इज़ 2 एंड 7, ये जो कांस्टेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं सेपरेट कांस्टेंट है। तो 2 प्लस 7 हमारे पास 9 हो चुका है, और 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा ये कम्प्लेक्स पार्ट्स हैं। तो ये कम्प्लेक्स पार्ट आपस में सॉल्व होंगे, तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा हमारे पास माइनस, इसको सब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना होगा, 3 माइनस 2 किया 1 आयोटा रह गया, और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का गया, डैट इज़ 3, 3 का पॉजिटिव साइन हो गया। अब हमारे पास जो 1 होता है वो हम शो नहीं करते हैं, तो 9 प्लस आयोटा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास के 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। पहले ये जो हमें कॉन्स्टेंट्स बाहर हमें ब्रैकेट के डायरेक्टली बाहर नजर आ रहे, इट मीन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई। सो 2 फाइव आर कम्प्लेक्स नंबर अंदर आ गया 10, और 2 फोर आर 8 आयोटा माइनस 3 सेवन आर 21 प्लस 3 फोर आर 12 आयोटा, यानी कि हमने इस जो कॉन्स्टेंट से बाहर उनको कम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट दो कम्प्लेक्स नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वो ऐड हो रहे थे, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 10 प्लस 8 आयोटा, तो स्टार्ट पे है ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस 21 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12 आयोटा। अब हमने रियल पार्ट को सॉल्व करना है, तो 10 माइनस 21 किया, आपके पास 10 के साथ इस वक्त पॉजिटिव साइन चूके है, स्टार्ट पे ये नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस करना है, 11 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, और 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा है, इट मीन्स इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 आयोटा आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का तो 12 का, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क में दे रही हूँ। अब इसमें माइनस यहाँ पे भी है, तो इसने कैसे साइन चेंज करने होंगे, ये सारी चीज़ को ध्यान से करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। अब आयोटा को अगर सिंपल जैसे होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आयोटा अगर अपने पावर्स में है यानी आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये हम इसको सॉल्व जब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एवेलुएट नहीं कर सकते करते, तो उस वक्त तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे पास जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर बनेगा उसको हम माइनस वन लिखेंगे, जैसे स्टार्ट पे हमें ये नज़र आ रहा है जो 2 इंटू माइनस वन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे आयोटा स्क्वायर नहीं है तो हम उसको फॉर्मेशन में लेके आएंगे। हमने 2.5 में एवेलुएशन सीखी है, तो आयोटा क्यू को हम आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा वन में सेपरेट कर सकते हैं। आयोटा 16 इवन पावर में है ना, तो ये आयोटा स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगा, आयोटा 19 ऑड पावर है तो आयोटा 18, और आयोटा 1 में इसको ब्रेक करना है, और आयोटा 25 को आयोटा 24 और आयोटा 1 में ब्रेक करना है, ठीक हो गया। 21 इज़ माइनस 2 हो गया यहाँ पे प्लस 6, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हो गया माइनस 1, और जो आयोटा 1 है उसको सिंपल आयोटा हम लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू आयोटा स्केयर के अंदर वैल्यू आ गई माइनस वन, माइनस वन की पावर 8 माइनस 6 इंटू, अब आयोटा 18 को मैं यहाँ पे आयोटा स्केयर की पावर 9 लिख सकती हूँ, और आयोटा 1 सिंपल आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा 24 को आयोटा स्केयर की पावर 12 और आयोटा 1 सिंपल आयोटा लिखा जाएगा, माइनस 2 प्लस 6, 1 इज माइनस 6 और 7 आयोटा है, प्लस 3 इंटू माइनस वन पावर 8 है ना, इट मींस इवन पावर है तो ये सिंपल 1 हो जाएगा,
माइनस सिक्स आयोटा से स्केयर की जगह माइनस वन पुट किया और नाइन पावर और सात आयोटा फोर और माइनस वन की पावर ट्वेल्व और सात सिंपल आयोटा माइनस टू प्लस माइनस माइनस सिक्स आयोटा थ्री वन एस थ्री माइनस सिक्स आयोटा इंटू माइनस वन की पावर नाइन है ना ऑड पावर है तो इसका आंसर माइनस वन रहेगा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में ये सीखा है। फोर इंटू माइनस वन की पावर ट्वेल्व है इवन पावर है तो ये वन हो जाएगा सात आयोटा माइनस टू माइनस सिक्स आयोटा प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस सिक्स वन इज सिक्स और सात आयोटा है फोर वन इज फोर आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रियल पार्ट है माइनस टू और थ्री ये आपस में सॉल्व होंगे। माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करना है थ्री में से टू निकाले वन साइन बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन। अब प्लस सिक्स आयोटा माइनस सिक्स आयोटा कैंसल आउट हो गए और लास्ट में प्लस फोर आयोटा डैट इज़ अवर आंसर। इसको बाद में सिंपल वन प्लस फोर आयोटा हम लिख सकते हैं क्योंकि पहली वैल्यू के साथ हम पॉजिटिव साइन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है सिंप्लीफाई एंड राइट द स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस सेवन प्लस थ्री आयोटा इन टू माइनस थ्री प्लस टू आयोटा। अब इस क्वेश्चन में आपको पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दी गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हो गया आपका स्टार्ट ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवीजन करनी होगी लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो जब इस क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई करना है अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नज़र आ रहा है उसमें माइनस सेवन इसका रियल पार्ट है। पहले इस माइनस सेवन ने इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होना है यानी माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस थ्री होगा तो माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस थ्री किया तो आ गया आपके पास सेवन थ्री था ट्वेंटी वन माइनस माइनस प्लस। अब यही रियल पार्ट नेक्स्ट टू आयोटा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेवन मल्टीप्लाई प्लस टू आयोटा सेवन टू ज़ार फोर्टीन माइनस प्लस माइनस और सात इसका आयोटा भी है। अब रियल पार्ट इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इस नंबर के इमेजिनरी पार्ट ने इन दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई होना है देन जाके अगेन। अब थ्री आयोटा है और यहाँ से माइनस थ्री है प्लस थ्री आयोटा है और माइनस थ्री है। अब प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन सात इसका ये वाला आयोटा। अब इसने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होना है प्लस 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 थ्री टू ज़ार सिक्स आयोटा 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 स्केयर बना देंगे। अब जहाँ आयोटा स्केयर होते हैं हम वहाँ पे क्या पुट करते हैं माइनस वन माइनस फोर्टीन आयोटा माइनस नाइन आयोटा प्लस सिक्स इंटू माइनस वन। और यहाँ पे हमें ये दोनों लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं। लाइक टर्म्स होने का मतलब ये दोनों इमेजिनरी हैं। अब ये रियल हो चुकी हैं ना क्योंकि यहाँ पे आयोटा हमने ख़त्म करवा दिया। पहले मैंने इसको तब भी नहीं सॉल्व किया था। सो अब ये ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन आयोटा माइनस नाइन आयोटा प्लस माइनस माइनस सिक्स वन इज सिक्स। अब ये दो रियल टर्म्स हैं। ट्वेंटी वन माइनस सिक्स किया हमारे पास फिफ्टीन आ गया और ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं। इन्हें सालों ने माइनस माइनस ऐड किया जाता है फोर्टीन और नाइन हमने ऐड किया ट्वेंटी वन आ गया ट्वेंटी थ्री आ गया आयोटा और माइनस हमें बड़ी वैल्यू से मिल गया तो ये हमारा आंसर आ गया 15 माइनस 23 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है कि अब एक ही रियल टर्म है और एक ही इमेजिनरी टर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर टू है ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पहले आयोटा नज़र ही नहीं आ रहा है आयोटा नहीं है लेकिन आपको रूट के अंदर नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है ना और आपको पता था कि जो रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है जैसे आयोटा की वैल्यू स्केयर जो सिंपल आयोटा उसकी वैल्यू होती है स्केयर रूट ऑफ माइनस वन जबकि आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन होती है। ये भी याद रखना है आपने जो सिंपल आयोटा उसकी वैल्यू होती है स्केयर रूट ऑफ माइनस वन। अब यहाँ पे आपको रूट में माइनस वन नज़र आ रहा है तो हम ये वाली चीज़ इस रूट के अंदर बनाएंगे और उस जगह आयोटा पुट कर देंगे। सो इस क्वेश्चन में टू माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस फोर है तो इसको फोर को हम फोर मल्टीप्लाई वन या वन मल्टीप्लाई फोर लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे इसको माइनस वन मल्टीप्लाई फोर लिख देंगे यानी माइनस का साइन और फोर को वन मल्टीप्लाई फोर लिखा ब्रैकेट क्लोज कर दी। इधर थ्री माइनस इधर भी ये सेम काम करना है हमने माइनस रखा और फोर को लिखा वन मल्टीप्लाई फोर यानी इस फोर को कन्वर्ट कर दिया है वन मल्टीप्लाई फोर में ठीक है। दोनों जगह फोर को मैंने लिखा है वन मल्टीप्लाई फोर। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी टू माइनस के रूट ऑफ ये जो हमारे पास है माइनस वन और ये जो स्केयर रूट ऑफ फोर है ये अलग अलग कर लिए
थ्री माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस वन अलग कर लिए और स्केयर रूट ऑफ फोर अलग कर लिया, यानी रूट दोनों के ऊपर आ गए, ठीक है, रूट ने दोनों के साथ अपना अलग अलग कर लिया उसके साथ। अब स्केयर रूट ऑफ माइनस वन हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्केयर रूट फोर, यानी रूट के ऊपर फोर के ऊपर रूट रहेगा और थ्री माइनस आयोटा और स्केयर रूट फोर है। अब हमें ये भी चीज़ पता है कि ये जो स्केयर रूट ऑफ फोर होता है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये होता है टू, इसका आंसर होता है टू। तो यहाँ पे हमने ये जो ये वाली चीज़ है दोनों जगह, ये हो जाएगा टू आयोटा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा सेकंड में नंबर पे लिखा होता है, यानी बाद में लिखा होता है, थ्री माइनस और फोर हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ फोर हो जाएगा टू और साथ ये वाला आयोटा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इसने मल्टीप्लाई होना है सेम इस प्रोसीजर के साथ जो अभी क्वेश्चन में किया हमने। अब इस रियल टर्म ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू टू ज़ार फोर, साथ ये माइनस का साइन और साथ आयोटा भी। अब ये रियल टर्म इन दोनों से हो चुकी है, अब इस इमेजनरी टर्म ने इन दोनों से होना है, माइनस का साइन आ जाएगा, टू थ्री ज़ार सिक्स, साथ आयोटा का साइन है। अब माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ार फोर, आयोटा 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 स्क्वायर। अब सिक्स माइनस फोर आयोटा, माइनस सिक्स आयोटा, प्लस फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की माइनस वन, सिक्स माइनस फोर आयोटा, माइनस सिक्स आयोटा, माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस फोर, वन इज़ फोर, सिक्स माइनस फोर किया, अब रियल टर्म सॉल्व हो रही है, टू आ गया, और माइनस माइनस ऐड होना है, सिक्स प्लस फोर टेन आयोटा हो गया और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, तो टू माइनस टेन आयोटा इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास होल स्केयर में फॉर्मेशन दी गई है। होल स्केयर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ सेम टू सेम, पहले टू टाइम हम लिखेंगे, यानी ये टू टाइम है, स्केयर रूट ऑफ स्केयर रूट फाइव माइनस थ्री आयोटा, ये दो दफ़ा ये नंबर, ये पूरा नंबर टू टाइम्स है, ठीक है, यानी एक्स स्केयर का मतलब होता है हमारे पास एक्स टू टाइम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी क्या है, टू टाइम है, इसको दो दफ़ा लिखे हमने। अब स्केयर रूट फाइव इन दोनों नंबर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी रियल पार्ट है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केयर रूट फाइव और ये वाला स्केयर रूट फाइव मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह इसको लिख रहे हैं, स्केयर रूट फाइव और थ्री आयोटा, माइनस थ्री आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा आ गया। अब ये वाली चीज़ स्केयर रूट फाइव दोनों से मल्टीप्लाई हो चुके हैं और माइनस थ्री आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस थ्री आयोटा स्केयर रूट फाइव जब हुआ तो माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा ही आ गया, और माइनस थ्री आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गए और थ्री थ्री ज़ार नाइन आयोटा 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 स्केयर हो गया। अब स्केयर रूट फाइव जब दो दफ़ा कोई नंबर होता है तो उस चीज़ का स्केयर हो जाता है ना, इट मीन ये स्केयर रूट फाइव का स्केयर है, माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा। अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, थ्री अलग है और ये रूट के अंदर फाइव है, तो ये अलग दोनों नंबर्स हो सकते हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसको याद है, हमने ये नहीं करना है इसको ए फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन करते, नो ये कभी भी नहीं होगा। नाइन और स्के आयोटा स्केयर की जगह माइनस वन पुट किया, यहाँ पे रूट से ये कैंसिल हो गया तो जस्ट फाइव आ गया, माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा, माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा, नाइन वन इज़ नाइन, प्लस माइनस 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 नाइन हो गया, फाइव माइनस नाइन किया तो माइनस फोर हमारे पास आ गया, और माइनस माइनस ऐड करना है, और थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा, माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव आयोटा, तो ये फाइव आयोटा सेम रखा जाएगा और थ्री सिक्स हो जाएंगे ऐड होने से, ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह सॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर पार्ट है, इसमें आपको ये जो फॉर्मेशन नज़र आ रही है ये कॉन्जुगेट की फॉर्मेशन है, जैसे हमने जी बार किया था तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट में आपको पता है कि हम जो साइन होता है आयोटा टर्म का वो चेंज कर देते हैं, टू माइनस थ्री आयोटा एज इट इज़ है, तो यहाँ पे थ्री प्लस टू आयोटा हो जाएगा, और नेक्स्ट जो आपने करना है वो आपके होमवर्क में दे रही हूँ, या आपने नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन खुद करनी है, ठीक हो गया, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछें और देन लास्ट में अपना होमवर्क कम्प्लीट करें।